ओम हर हर महादेव शंभु। शिव पूजन से वास्तु दोष को कम किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शिव पूजन से किस तरीके से वास्तु दोष दूर हो सकता है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है। ओम हर हर महादेव शंभु। वास्तु दोष के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि आप शिव भक्ति करते हैं, शिव आराधना करते हैं, शिव पूजन करते हैं, तो बहुत सारे वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से शिव पूजन से वास्तु दोष दूर हो सकता है। भगवान शिव ऐसे देव हैं जो श्रद्धा भक्ति के साथ की गई पूजा से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी पूजा आराधना से वास्तु दोषों का भी शमन होता है। जिन भवनों में वास्तु दोषों, वहां सुख शांति के लिए शिवलिंग पर अभिषेक करने के उपरांत जहलरी के जल को घर लाकर उसमें ओम नमः शिवाय करालम महाकालम कृपालम ओम नमः शिवाय यह मंत्र जपते हुए पूरे भवन में छिड़काव करना चाहिए। ऐसे करने से वहां उपस्थित सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। कार्य में विघ्न बाधा, आपसी कलह, रोग परेशानी दूर करने के लिए घर के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण ब्रह्म स्थान में रुद्राभिषेक करना शुभ परिणाम देता है। घर परिवार पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे, धन का आगमन हो, इसके लिए घर की पूर्व या उत्तर पश्चिमी जो दिशा है उसमें बिल्व का पेड़ लगाएं, उसको नियमित रूप से जल दें एवं शाम के समय इसके नीचे घी का दीपक जलाएं। उत्तर पूर्व की जो दिशा है इस दिशा मानी जाती है सकारात्मक उज्ज्वल प्रवाह एवं शुद्ध विचारों में वृद्धि के लिए शिव परिवार की तस्वीर लगाने से शुभ फलों में वृद्धि संभव है। वास्तु दोषों से उत्पन्न अकारण भय परेशानी आदि के निवारण के लिए तुलसीदास जी द्वारा रचित रुद्राष्टकम का पाठ किया जाना सकारात्मक परिणाम लेकर आता है। जिन तस्वीरों में भगवान शिव, माँ पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी वो तस्वीर रहती है वो बड़ा शुभ होता है। घर में उसे लगाना चाहिए और दीप दिखाना चाहिए। शिव परिवार की फोटो लगाने से घर में क्लेश नहीं होता, बच्चे आपकी बात सुनते हैं। भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत उत्तर दिशा में है, इस कारण शिव की मूर्ति या फोटो घर के उत्तर दिशा में लगाना श्रेष्ठ रहता है। उत्तर दिशा में शिव जी की फोटो या मूर्ति ऐसी जगह लगानी चाहिए जहां घर में आने जाने वाले सभी लोग महादेव के दर्शन कर सकें। इससे आपसे रिश्ते और ज्यादा प्रगाढ़ होते हैं। शिव जी की ऐसी मूर्ति या तस्वीर लगानी चाहिए जिसमें शिव जो है प्रसन्नचित दिख रहे हो, नंदी पे विराजित हो। ध्यान मुद्रा की तस्वीरें घर में लगाने से वातावरण शांत रहता है। जहाँ शिव जी की फोटो हो, जहाँ शिव जी को आपने स्थापित किया है उसके आसपास साफ सुथरा रहना चाहिए, क्योंकि इससे जो है साफ सुथरा नहीं रहने से जो है वास्तु दोष बढ़ता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।